أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. عزیز طلباء، یہ سورہ مائدہ کا رکو نمبر 7 شروع ہوا ہے. رکو نمبر 7 کی کچھ آیات پڑھی گئی ہیں. میں پہلے ان کے مفردات کا حل پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں تورات کی نزول کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یہ الذین اسلموا النبیون کی صفت ہے، یعنی الذین اسلموا جو اسلام کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر تک تمام انبیاء کا دین اسلام ہے. للذین ہادو، یہ للذین ہادو کا تعلق یحکمو سے ہے، یعنی یحکمو للذین ہادو. ہادا یہودو ہودن و تہوادن، یہودی ہو جانا. اور یہ الربانیون، تو الربانیون واحد ربانی جو اصل میں ربی ہے، ربانی معنی رب والا، تو ربانی اصل میں ربی ہے. عربی میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کا استعمال اس طرح ہوتا ہے، جیسے علمانی، یہ علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بجائے علمی کے علمانی جو اصل میں علمی ہے. اس وقت علمانی بولتے ہیں رجل علمانی، تعقل پسند. اور الاحبار، یہ واحد حبر بڑا عالم. ہاں، تو الاحبار واحد حبر بڑا عالم. تو الربانیون یعنی اللہ والے، اور الاحبار بڑے علماء. بما استحفظوا من کتاب اللہ، یہ ماک بیان ہے من کتاب اللہ، اور استحفاظ کا معنی ہے حفاظت کا مطالبہ کرنا، حفاظت کا حکم دینا، ذمہ دار بنانا، محافظ بنا دینا. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا، یہ علیہ میں ہو کی ضمیر کے مرجع یہ التورات ہے، یا جو چیز ذکر کی گئی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ولا تشترو ولا تتبدلو کے معنی میں ہے. اصل میں اشترا یہاں
तब्दील करने के माने में है, एवज लेना, बदला लेना। उमल लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइक हुमुल काफिरून व कतबना अलैहिम फीहा अन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़्न बिल उज़्न वस्सिन्न बिस्सिन वल जुरूह क़िसास। ये तौरात में अल्लाह ताला ने जो क़िसास का हुक्म नाज़िल किया था, यहाँ उसका ज़िक्र किया जा रहा है। तो अलजुरूह क़िसास, अलजुरूह वाहिद वाहिद जुरूह, इसके माने ज़ख्म। तो अलजुरूह क़िसास का मतलब हो जाएगा ज़ख्म बदले वाले हैं, यानी कोई किसी को ज़ख्मी कर दे तो उसका भी बदला लिया जाता है। फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुवा कफ़ारतुन लहु, उमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़औलाइक हुमुस ज़ालिमून। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आयत नंबर 41 से आयत नंबर 45 तक, यहाँ तक जो आयत की तलावत की है, रुकू नंबर 6 में आयत नंबर 41 से और आयत नंबर 45 तक, तो इसका जो शान नुज़ूल है मैंने एक दिन ज़िक्र किया था और आज फिर मैं उसका ज़िक्र कर देता हूँ। ये आयत नंबर 41 से लेकर के आयत नंबर 45 तक, इन आयात के सबब नुज़ूल के दो वाक़यात कुतुब हदीस में ज़िक्र किए जाते हैं। पहला वाक़या जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो बुखारी और मुस्लिम में है, वो ये कि तौरात में भी शादी शुदा ज़ानी और ज़ानिया के लिए रज़्म है। जैसे क़ुरान करीम में ज़ानी और ज़ानिया के लिए रज़्म है मज़हब इस्लाम में, तो ऐसे ही तौरात में भी शादी शुदा ज़ानी और ज़ानिया के लिए रज़्म है। इस हुक्म में यहूदी तहरीफ करते थे, इसकी जगह कोड़े मारना और मुंह काला करना कर दिया था उन लोगों ने। एक बार यहूदी मर्द वो औरत ने जना किया, वो आपके पास आए कि आप फैसला कर दें। आपने पूछा कि तौरात में क्या हुक्म है, तो यहूदियों ने कहा कि कोड़े मारना और मुंह काला करना है। आपने तौरात मंगाई और यहूदियों से पढ़ने को कहा, उन्होंने आयत रज़्म पर हाथ रख दिया, आगे पीछे की आयत पढ़ी। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा यहूदी झूठ कहते हैं। उन्होंने हाथ हटाया, फिर एतराफ़ किया, तो वो दोनों जानियों को रज़्म कर दिया गया। इस तहरीफ का तस्करा आयत नंबर 41 में इस तरह किया गया है कि युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बाद मवाज़िही यकूलून इन उतीतुम हाज़ा फ़खुज़ूहु। ये आयत करीमा है, युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बाद मवाज़िही। तो और ये जो आगे क़िसास का हुक्म ज़िक्र किया गया है, तो उसका ताल्लुक इस शान नुज़ूल से है। दूसरा वाक़या जो मुस्नद अहमद में है कि यहूदियों ने आला दर्जे की यहूदी के कत्ल की दियत 100 वस्त और अदना दर्जे के कत्ल की दियत 50 वस्त मुकर्रर की थी। इसी बिना पर यहूदियों के दो ग्रोह में झगड़ा हो गया, तो आयत से क़िसास का नुज़ूल हुआ और बराबरी का हुक्म दिया गया। ये ऐसा हो सकता है, हाफ़िज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि मुमकिन है ये दोनों वाक़यात पेश आए हों और इन दोनों वाक़यात के बाद इन आयात का नुज़ूल हुआ हो, यानी आयत नंबर 41 से आयत नंबर 45 तक का नुज़ूल इन दोनों वाक़यात के बाद हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बाद मवाज़िही
इन इस आयत के नुज़ूल का ताल्लुक पहले वाक़या से हो जिसमें उन्होंने आयत रज़्म को छुपा दिया था, और आयत क़िसास का ताल्लुक दूसरे वाक़या से हो। बहरहाल ये इन्ना अंज़लना तौरात फ़ी हुदन व नूर, और ये फ़मन तसद्दक़ा बिही, यहाँ तसद्दक़ा बिही आफा के माने में है, इसलिए कि माफ़ कर देना भी सदका होता है। उमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़ौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यकीनन हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी है, जिसके ज़रिया फ़ैसला करते हैं वो नबी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो अल्लाह ताला के ताबे हैं, फ़ैसला करते हैं उन लोगों के लिए जो यहूदी हो गए, और ये अल्लाह वाले और उलमा, ये इसका अर्थ नबियों पर है। असल में कई ग्रुप हैं, एक तो अंबिया का ग्रुप और एक उलमा का ग्रुप, और दूसरे जो उनके नेक बंदे थे औलिया अल्लाह वाले, तो फैसला करते हैं हमने तौरात नाजिल फरमाई है जिसमें हिदायत और नूर है, यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह के मानने वाले अंबिया और अहलुल्लाह और उलमा फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो और सिर्फ मेरा डर रखो, मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर न बेचो। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के फैसले के साथ फैसला न करें वो पूरे और पुख्ता वो काफिर हैं। तो हमने नाजिल की तौरात जिसमें हिदायत और रोशनी है, जिसके ज़रिए फ़ैसला करते हैं अंबिया जो अल्लाह ताला के ताबे हैं, उन लोगों के लिए फ़ैसला करते हैं जो यहूदी हैं, और अहलुल्लाह अल्लाह वाले और उलमा फ़ैसला करते हैं। बेमस्तूफिज़ू मिन किताबिल्लाह, इस वजह से कि उनको अल्लाह की किताब की हिफाजत का ज़िम्मेदार बनाया गया है। वकानू अलैह शुहदा, और ये उस पर गवाह थे, यानी कि अल्लाह ताला ने तौरात को नाजुल किया है उसमें तहरीफ नहीं हुई है, यानी वो उस पर गवाह थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई किताब है। तो फला तख्शुन्ना सा, लोगों अल्लाह से न डरो, लोगों से न डरो, मुझसे डरो। ये वख्शौनी असल में है, नून के बाद या मुतकल्लिम जो मफ़ूल बिही है। वला तश्तरू बिआयात समनन क़लीला, और ना इख्तियार करो मेरी आयात के बदले में मामूली कीमत, यानी दुनिया। ये समन क़लील समरात दुनिया है। उमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो शख्स फैसला ना करे उस चीज़ के ज़रिए जो अल्लाह ने नाजिल की है, यही लोग काफिर हैं हकीकत में। वो कतम ना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल आयन बिल आयन, अल्लाह फरमाते हैं हमने लिखा उनके ऊपर कि जान जान के बदले में, आँख आँख के बदले में, और नाक नाक के बदले में, कान कान के बदले में, दांत दांत के बदले में, और ज़ख्म भी बदले वाले हैं। यानी अगर कोई किसी को ज़ख्मी कर दे उसी लिहाज से उसको ज़ख्मी किया जाएगा। फ़मन तसद्दक़ कभी फ़वा कफ़ारतुल्लाह, और जो माफ़ कर दे उसके लिए कफ़ारा है गुनाहों का, और जो शख्स फैसला ना करे उस चीज़ से जिसको अल्लाह ने नाजिल की है तो यही लोग ज़ालिम हैं। तो ये यहाँ ये 45 नंबर आयात का ख़ात्मा हो गया है। यहाँ एक बात मैं ज़िक्र कर दूँ कि अल्लाह ताला ने तौरात के हवाले से ज़िक्र किया है क़िसास का हुक्म। ये क़िसास का हुक्म मज़हब इस्लाम में भी बाकी है, इसलिए कि
उसूल फ़िक़्ह के मुताबिक तौरात व इंजील वगैरह का अगर ऐसा कोई हुक्म है जिसको अल्लाह ताला ने बाकी रखा है तो वो हमारे लिए हुज्जत है, इस पर अमल करना ज़रूरी है। इसी को शरोमन कबलाना कहते हैं। ये जो जिन चीज़ों से हुज्जत पकड़ी जाती है, जैसे किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इज्मा, कयास, मसालेह मुरसला, इस्तिसहाब, तो उन्हीं में से शरोमन कबलाना भी है, अब भी बाकी है। तो जैसे आयत क़िसास जो गुजरी है वो हुक्म मनसूख नहीं है, अब भी बाकी है, अहादीस से उसकी तायद होती है, मगर इस उमूम से दो बातें अलग हैं। ये इन आयात में जो कहा गया है कि जान के बदले में जान, आँख के बदले में आँख, नाक के बदले में नाक, कान के बदले में कान, दांत के बदले में दांत, और जख्म भी बदले वाले हैं, तो ये दो बातें, ये इसमें जो उमूम है इस उमूम से दो बातें अलग हैं। नंबर एक, ग़ुलाम के बदले में आज़ाद को कत्ल नहीं किया जाएगा, उन दोनों में दियत है। ग़ुलाम के बदले में आज़ाद को कत्ल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही क़िसास में काफिर के बदले में मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा, यानी क़िसास में काफिर के बदले में मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा। नंबर दो, ग़ुलाम के बदले में आज़ाद को कत्ल नहीं किया जाएगा, उन दोनों में दियत है। तो ये रुकू नंबर 7 की आयात का तर्जमा, उसकी तफसीर हुई है, और आगे अल्लाह ताला ने फिर इंजील का ज़िक्र किया है। तो इस सिलसिले की कुछ बहसें इंशाल्लाह फिर आएंगी। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।